गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ धर्मसेन नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था, उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगाजल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे, उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनके अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य अवस्था की हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने पुत्री से पूछा, यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पतिरूप से स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी, यह तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं, इससे अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाओ। मुनि ने मेघ से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है, जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से भी पूछा कि उससे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है, जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया। कन्या ने कहा, तात, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा कि वह अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब मूषकराज को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषकराज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा, उसके साथ उसे अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौआकौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौआ व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सांप चला गया। कौए ने कौवी को ढाढ़स बंधाया, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौए ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है, दुष्ट सांप यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए।
उधर सांप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौआ कौवी शायद वहां से चले गए हैं। पर दुष्ट सांप टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौआ कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सांप खो से निकला और उसने कौओं का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौआ दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सांप उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खो में लौटकर डकारे लेने लगा। कौआ व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौओं के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी और बोली, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौआ बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर इससे घबराना उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौआ तथा कौवी को ढांढस बंधाया। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौआ कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौआ उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम काम का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौआ राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौआ हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौआ सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौए ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के गले में जा गिरा। सैनिक दौड़कर सांप के पास पहुंचे और उनके सरदार ने अपनी तलवार से सांप को मार डाला। इसलिए मित्रों, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, शेर तो शायद तुमने देखा ही होगा। चलो, देखा नहीं हो लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा। शायद उसकी तस्वीर देखी हो। शेर अक्सर जंगलों और गुफाओं में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास के गांवों में आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, एक लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार खेलने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता न था। उसने इधर उधर ढूंढा मगर गाय का पता न चला।
बेचारा बहुत घबराया, सोचने लगा मालिक अब मुझे जीता न छोड़ेंगे। उस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते, इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की यह हिम्मत देखो, अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाई भाई कर रहा है, गीदड़ों का हवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे भी डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, मगर जाए कहां? जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थकामादा तो था, उसे जल्दी नींद आ गई। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बच गया, सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। नीचे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई, वही कांपने लगा, नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता और उछलो उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो शेर इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात जोंत्यों करके कटी, सबेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा लगा कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, शिकार सामने देखकर वह कहां जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी, भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था, शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक चलूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। शेर आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा झपटा कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जोंत्यों करके वह दिन भी बीत गया। जोंत्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं दो दिन से भूखा बैठा हूँ। तीसरा दिन भी निकल आया, मारे भूख के उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी उसे मुश्किल मालूम होता था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनय की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी, बैठे बैठे वह भी ऊब गया। वह चाहता था किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता था। आखिर उसे एक उपाय सुझा, अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा, उसकी सारी भूख सारी कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहां से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1, 2, 3, 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले
तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है? अगर मैं उन्हें होशियार न कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसकी तरफ ताकने लगे। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है? वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यकायक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को देखा। फिर क्या कहना था, उसे मुंह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहा, वह इतने जोर से गर्जा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ जोर से झपट्टा मारा। मगर वे लोग पहले से एक साथ गोली चलाई। आवाज हुई, चिड़िया पेड़ों से उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिर पड़ा था। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था, सामने उसका मालिक खड़ा है। मालिक बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर तो नीचे बैठा हुआ था। हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम चारों आदमी 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं, तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का बोला, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक बोला, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप ही आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। डॉट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन न था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिव जी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु वह जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना माँ पार्वती को स्वीकार था, परंतु वह शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवों तक उनका संदेश पहुंचाया। सभी देवता घबरा गए, कहीं शिव जी हमारे वाहन न ले ले। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर बैठे रहे। माँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा, उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुंचे। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे बढ़ा, बोला, भगवन मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। शेर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। जंगली सुअर कौन सा कम था,
अपनी थूथन हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूंगा। कस्तूरी हिरन बोला, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से। शिवजी मेरी पीठ पर सवारी करेंगे। उसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। शिवजी ने सबको शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह ला देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वही खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुने रहा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वह छिपा रहता। एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियां मांगेंगे। उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। मन ही मन वे जानते थे कि बैल ने उनकी बातें सुनी है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।